नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में तो चलिए देखते हैं आज का डी यू डाउट सेशन ठीक है जिसको अटेंड किया है प्रोफेसर डॉक्टर जी एस टुटेजा ने तो पहला क्वेश्चन जो है अरण्या कश्यप जी का है उन्होंने पूछा है मैंने बारहवीं इस साल उत्तीर्ण की है पास की है मैं डी में वी ऑनर्स करना चाहती हूँ और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहती हूँ तो क्या मैं यस में आवेदन कर सकती हूँ तो प्रो प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया है कि आप यस के लिए आवेदन कर सकते हैं ठीक है बीकॉम ऑनर्स के लिए बारहवीं में गणित होना आवश्यक है ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास मैथ्स ट्वेल्थ क्लास में होनी चाहिए इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप यसओ की वेबसाइट पर ले लीजिए मिल जाएगी तो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपर्णा राय जी का है मैंने डी कोर्स के लिए कॉलेज का चुनाव कर लिया है और अब उसे लॉक करना है मगर लॉक करते समय हमेशा सेशन एक्सपायर हो जाता है और लॉक नहीं हो पा रहा है अब मैं क्या करूं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में यह कोर्स है ही नहीं इसलिए जब आप चॉइस सेलेक्ट करते हो तो वो सेशन एक्सपायर हो जाता है दूसरा क्वेश्चन क्या है मोनिका सिकर सिकरवार का है तो उन्होंने पूछा है बी में आवेदन की अंतिम तिथि कब है तो आज ही अंतिम तिथि है उसकी इकतीस जुलाई प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है तो बी के लिए भी यही तारीख है यानी कला आवेदन का अंतिम दिन है मीन्स आज और पार्थ ग्रोवर जी ने प्रश्न किया है मैंने बारहवीं में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है ठीक है तो डी ओ स्नातक दाखिले में बारहवीं के अंक अपलोड करने की आखिरी तारीख क्या है अगर आपने भी ऐसा किया है कि रिचेक के लिए भेजा है न मार्क्स को तो आप क्या करेंगे तो उसमें क्या है कि मेरिट आधारित कोर्स के लिए तो इकतीस अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं यदि आपका मार्क्स नहीं आया रिचेक होकर तो क्या है कि जब एडमिशन प्रोसेस चल रहे होंगे तब आता है तब अब संपर्क कर सकते हैं कहाँ दाखिला शाखा से ठीक है कॉलेज से दूसरा क्वेश्चन क्या है राहुल पांडे जी का मैंने 2008 में सोशियोलॉजी अंग्रेजी एंशियंट हिस्ट्री से स्नातक किया था और अब मैं हिंदी अंग्रेजी और एंशियंट हिस्ट्री से फिर स्नातक करना चाहता हूँ क्या यह वैध है तो आप स्नातक में बीए प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो कॉलेज पर निर्भर करता है ठीक है कर सकते हैं आप और सौम्या सौम्यादवंशी जी का प्रश्न है कि मैंने बारहवीं में तिहत्तर दशमलव आठ फीसदी अंक के साथ उत्तीर्ण किया है क्या मैं स्नातक इतिहास से कर सकता हूँ मेरा दाखिला हो जाएगा तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है प्रोफेसर साहब ने कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें ठीक है फॉर्म को फिल कर दें अगर संबंधित सब्जेक्ट से आपकी कट ऑफ आती है कॉलेज से मिलती है आपकी कट ऑफ तो आपका दाखिला हो जाएगा परेशान मत होइएगा ठीक है लेकिन पहले आवेदन कर दीजिए तो ये था आज का डी डाउट सेशन इसके बाद मैं डी अपडेट पे वीडियो बनाने वाला हूँ फट से उसको देख लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ भी क्वेरी कर सकते हैं ठीक है